नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था, पहले दिन की औपचारिकता खत्म होने के बाद। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि दूसरे दिन कुछ काम होगा, कुछ विधायी काम होगा जिससे कि प्रदेश की जनता का भला हो, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। हंगामा बरपा, अलग अलग विषयों पर बरपा और अंततः विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है? इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ राजीव रंजन जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और प्रदीप जी हमसे जुड़ेंगे, आप बीजेपी से हैं। सबसे पहला प्रश्न कि जब विधायी कार्रवाई शुरू होनी हो, या जो आप सभी को मालूम है कि विधानसभा के सत्र आम तौर पर बहुत बड़े नहीं होते या बहुत ज़्यादा टाइम इसमें, पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है, पिछले कुछ सालों से हम कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र को बहुत बड़ा नहीं रखा जाता है और बहुत सारे मुद्दे होते हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। ठीक एन पहले कुछ गैर ज़रूरी मुद्दे उठ जाते हैं और उससे विधायी कार्यवाही कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। क्या ये एक स्वस्थ परंपरा है राजू जी? नहीं, बिल्कुल ये स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती है। और इस बार तो एक इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया कि जब शोक प्रकाश पढ़ा जा रहा था उस वक्त भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आचरण था उसे पूरे झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास को शर्मसार करने का काम किया है। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत दिनों से क्षेत्र की जनता को इंतज़ार रहता है कि उनकी समस्याएं जो राज्य की सर्वोच्च पंचायत है उसमें उठाई जाएंगी और हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम लोगों ने चुन के भेजा है वो हमारे सवालों को लेकर के वहाँ सरकार से जवाब तलब करेंगे। लेकिन हकीकत के आईने में अगर आप देखेंगे तो लगातार विडंबना रही है ये झारखंड विधानसभा में कि इस प्रकार के गैर जरूरी विषय को लेकर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया जाता है और उसको लेकर के जो विरोधाभास उत्पन्न होता है उससे जो तमाम विधायी कार्य हैं वो रुक से जाते हैं। तो इसके लिए सीधे सीधे अभी जो ये विषय आया है ये बिल्कुल पूरी तरह से गैर मुनासिब, गैर वाजिब कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्थापित मान्यता और परंपराएं रही हैं अगर हम उसका भी विरोध करने लगे इस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए तो कहीं ना कहीं चीजें तो अवरुद्ध होंगी। प्रदीप सिन्हा जी, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गैर जरूरी मसले हैं जिस पे हंगामा हो रहा है, जबकि विधायी कार्यवाही अगर हो तो शायद सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं उनके काम को लेकर, या उनसे सवाल जवाब तो कम से कम कर सकते हैं। क्या ये परिस्थिति पैदा नहीं हो पा रही सिर्फ इसलिए कि हंगामे के मूड में रहता है विपक्ष? क्या ये सच्चाई है? नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूं कि शुक्रवार को जब सदन शुरू हुआ तो बाकी जरूरी मुद्दे जो सरकार के समक्ष चुनौती बन के खड़े हैं उस पर चर्चा करने के बजाय स्पीकर के सामने आके मजबूरी क्या थी, किसके कहने पर ये मजबूरी, तो उनको ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि अमुक कमरा नंबर फलाने को आवंटित किया जाता है एक समुदाय विशेष के नाम से। और जो हंगामा करने की बात कर रहे हैं, शुरुआत हमने नहीं की, आपने मौका दिया, आपने शुरुआत की इस गलत परंपरा की और कहीं ना कहीं अब अपनी छेप मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर भी जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाती रही, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में 5 लाख नौकरियां देने की बात हो, या बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, या फिर नियोजन नीति में उर्दू को समाहित करके हिंदी और संस्कृत को बाहर करने की बात हो, लाठीचार्ज कराने की बात हो अभ्यर्थियों पर जो मोरहाबादी में आए थे धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इन मुद्दों को हम समय समय पर उठाते रहे। लेकिन सरकार की मंशा देखिए आप, और मैं कांग्रेस जी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोई अकस्मात नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सुनियोजित था कि इस तरह के कोई मुद्दे छेड़ देने हैं ताकि सदन डिस्टर्ब हो। अब जहां तक प्रश्न है कि अगर सरकार का मंशा बहुत ही अच्छा था, जो सरकार दुहाई दे रही कि इसमें कौन सी हमने हाइतौबा मचाने वाली काम कर दिया, तो सरकार को प्रार्थना सभा कर देनी चाहिए थी कि सभी धर्म के लोग वहां जाते अपने अपने निर्धारित समय पर अपनी अपनी प्रार्थना करते, लेकिन सिर्फ समुदाय विशेष के लिए इस तरह का कार्यवाही, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुसलमान समाज को खुश करने के लिए किया गया है,
क्योंकि अगर अल्पसंख्यकों तक भी बात होती तो अल्पसंख्यक समाज में और भी लोग आते हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, लेकिन सरकार को इनकी चिंता नहीं है। सरकार को सिर्फ एक समाज की चिंता है, क्योंकि इनको वर्षों से वोट बैंक ही समझा गया है और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि इनको हम अगर एक साथ रखने में सफल रहे तो भारतीय जनता पार्टी को हम मुकाबले में हरा सकते हैं। लेकिन भारतीय प्रदीप जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। राजीव रंजन जी, क्या ये बात सच्चाई नहीं है कि नमाज वाला जो मुद्दा है, जिस उनके लिए अलग स्थान, नमाज पढ़ने के लिए अलग स्थान देने की बात है, ये मुद्दा शायद इस वक्त उठाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए अलॉटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, या आपको लगता है कि इस मुद्दे को तत्काल एड्रेस करना ज़रूरी था ठीक विधानसभा सत्र के पहले? आप जान सरकार इसका एसेस नहीं कर सकी कि इसको लेकर हंगामा खड़ा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि सरकार का ये विषय नहीं है, ये प्रोग्रेटिव विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नोटिफिकेशन हुआ है और उसके बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है उससे हम चर्चा करने को बैठे हैं। सरकार का इससे कोई लेना देना है नहीं और सरकार को नाहक ही इसमें घसीटा जा रहा है। और ये जो परंपरा है ये बिहार के ज़माने से चली आ रही है। इंदर सिंह नामधारी जी से भी कल कुछ लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि जब राज्य गठन हुआ था, जब प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे, उस समय भी ये व्यवस्था थी और माननीय अर्जुन मुंडा जी हों या रघुवर दास जी के ज़माने में भी ये परंपरा रही है। तो इस विषय को लेकर के आखिर इतनी हाय तौबा क्यों? जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उस पर इतनी हाय तौबा क्यों? महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं? किसानों पर चर्चा क्यों नहीं? आज ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उस पर सदन में चर्चा क्यों नहीं? तो ये गैर जरूरी मुद्दे उठा करके और ये हम पर आरोप लगाते हैं कि वोट बैंक समझ रहे हैं, तो ये पूरे जो बहुसंख्यक समाज की बात करते हैं आप, उसको गुमराह करने के लिए इस प्रकार का एक प्रकार से कह सकते हैं कि नौटंकी करने का जो पूरा प्रयास किया गया, जिस प्रकार से सदन के बाहर, सदन के अंदर, जब आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था और बहुत लंबा प्रश्नकाल था, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि वो सवालों के जवाब दें, लेकिन इस प्रकार के वातावरण में तो ये चीजें पहले ही दब के रह जाती हैं। तो अब ये आरोप लगा रहे थे भाई प्रदीप सिन्हा जी की शुक्रवार को शोक प्रकाश था, उस दिन तो कुछ हुआ नहीं था। शोक प्रकाश के दिन में जब इनके मुख्य सचेतक शोक प्रकाश पढ़ रहे हैं, उनको भी इन लोगों ने नहीं करने दिया। तो ये मुद्दा विहीन विपक्ष है। ये चाहती है कि जो 7 वर्षों से जो केंद्र में भाजपा नीत सरकार आई है, जिस प्रकार से बेरोजगारी का दर बढ़ा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार हुए हैं, ये सारे विषय गौन हो जाएं और हम गैर जरूरी मुद्दों को उठा करके लोगों को दिग्भ्रमित करके अपनी राजनीति, जो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति जिसकी चर्चा करते हैं, ये तुष्टीकरण तो आप कर रहे हैं साहब, तुष्टीकरण तो आप कर रहे हैं इस प्रकार से। अगर इतनी ही आस्था है, आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा की बात करते हैं तो पूरा का पूरा विधानसभा जो निर्माण हुआ है आपके कार्यकाल में हुआ है, किसने रोका था आपको? आप बनवा देते सब, आपने ही, आपके ही मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री तो काल में मुख्यमंत्री निवास में जब मंदिर बन सकता है, मैं तो सोशल फैब्रिक की बात कर रहा हूं, आज वो सा कौन सा विद्यालय है जहां सरस्वती पूजा नहीं होता था, लेकिन किसी ने तो विरोध नहीं किया। कौन सा एयरपोर्ट है जिसमें नमाज पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां मंदिर बनवाने की बात क्यों नहीं करते हैं? ये गैर जरूरी मुद्दे हैं। इस प्रकार से धर्म के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। धर्म के नाम पर मुख्य मुद्दों से गौन करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, मतों का ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कौन कर रहा है? ये देश की जनता और झारखंड की जनता अच्छी तरह से जानती है। दोनों से ही कहना चाहूंगा, आप दोनों से ही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या विधानसभा जैसी जगह सिर्फ इसलिए है कि वहाँ जो जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो धार्मिक कार्य करें, या वो बहस के लिए है, जनता के लिए है, जनता के पैसे से चलने वाली जगह है, वहाँ पर उसके मुद्दे उठाए जाने चाहिए, या फिर वो धार्मिक आस्था की जो रीतियाँ हैं उसको निभाने के लिए है? प्रदीप जी, गंगेश जी, अभी ये दलील दे रहे थे कि कौन सी एयरपोर्ट में व्यवस्था नहीं, ये तो चादर डाल के रोड पर भी बैठ जाते हैं, और जब आप इससे आंखें मूंद लें तो रोड पर बैठना इनका अधिकार समझा जाता है, और आप अगर विरोध करने के लिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताया जाता है कि सांप्रदायवाद फैला रहे हैं और मुसलमानों से इनको नफरत। जहां तक प्रश्न है कि इन्होंने कहा कि विधानसभा आपने बनवाया तो आपने बनवा दिया होता, तो हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने वाले लोग हैं, किसी धर्म विशेष का तुष्टिकरण करना हमारे न लक्ष्य में है न हम ऐसा करना चाहते। आपकी जो मंशा रही हो आप कीजिए,
लेकिन अभी इन्होंने प्रश्न कुछ उठाए कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो इन चीजों पर चर्चा करते ना सदन में, जब लोकसभा चल रही थी तो वहां चर्चा कर लेते, लेकिन वहां तो पेगासस का भूत चढ़ा था इनके सिर पे, और अब सदन खत्म हो गई, जब लोकसभा का सत्र खत्म हो गया तो पेगासस का भूत कहां चला गया तो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के कब उठेंगे प्रदीप जी, राजीव जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड के मुद्दे कब उठेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे केंद्र रिलेटेड है, उस पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन झारखंड के जो असली मुद्दे हैं वो कब उठेंगे? यहाँ की बिजली की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, और दूसरे जो विकास के मुद्दे हैं उनकी बात हो, उस पर सवाल जवाब क्यों नहीं, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को रिलेट करें जिससे कि केंद्र सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, राज्य के स्तर पर राज्य की बातें क्यों नहीं करें हम विधानसभा में? सवाल ये है मुनेश जी कि मुद्दे केंद्र के हो या राज्य के हो, चर्चा जब चर्चा के जगह पर न हो करके अन्यान्य विषयों पर चर्चा होने लगे तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मैंने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था, और ऐसा नहीं है सभी दलों के विधायकों ने प्रश्न डाले होंगे, मुख्यमंत्री उस पर जवाब भी देना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार के वातावरण का निर्माण हुआ, क्या ये संभव है कि उस प्रकार की चीज़ों पर जो जनता से जुड़े हुए सीधे मुद्दे होते हैं, जो जनता चाहती है कि राज्य की सर्वोच्च पंचायत में हमारी बातें मुखरता के साथ आएँ, और हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है वो हमारे सवालों को एड्रेस करवाने का काम और सरकार को संज्ञान में लाने का काम वहाँ करें, लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, वहाँ ये भरोसा दिलाया जाता है कि सदन ठीक प्रकार से चलेगी। तो इस प्रकार से ऐसी कौन सी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गैर जरूरी चीज़ों को उठा करके अगर आप कार्य अवधि को पूरा एक प्रकार से बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो किसकी जिम्मेवारी है? सरकार ने तो ये नहीं कहा कि हम सदन नहीं चलाना चाहते हैं, बार बार विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये आपने देखा होगा कि लाइव प्रसारण होता है, अब तो जनता सीधी तस्वीरें देखती है कि कौन क्या कर रहा है, तो विधानसभा अध्यक्ष बार बार ये निवेदन करते रहते हैं, लेकिन उनके निवेदनों को दरकिनार करके किस प्रकार से चीजों को वहां दर्शाया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है और उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। अब तो सारी चीजें चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो लोगों के पास पहुंच जा रही है उनकी तस्वीर, तो अब जनता खुद इनके उत्तरदायित्व का फैसला करेगी। प्रदीप जी, नियोजन नीति को लेकर बीजेपी बहुत बहुत आपत्ति करती रही है, क्या नियोजन नीति पर मुद्दा बहस करने का समय नहीं है ये, बजाय इसके कि हम नमाज की जगह दी जाए या ना दी जाए इस पर बहस करें? नियोजन नीति में आपने उर्दू को रखा, हिंदी और संस्कृत को बाहर क्यों किया? और राजीव जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की बड़ी इच्छा थी कि प्रश्नकाल में हम जवाब देते सवालों का, और मैं तो ये कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी की इच्छा बहुत थी कि 5 लाख लोगों को नौकरी दे, बेरोजगारों को भत्ता दे, 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करें, और राज्य के लोगों के साथ अन्याय ना हो इसका आश्वासन दिया था। लेकिन आए दिन जब मोरहाबादी में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, लंबित रिजल्ट जो है करने को लेकर, उन पर लाठी बरसाई जाती है, तो मुख्यमंत्री की इच्छा पूरा। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक लाठी बरसाने का प्रश्न है पानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कितनी लाठियां आपने चटकाई हैं वो झारखंड की जनता अभी तक भूली नहीं। आंगनबाड़ी सहायिका सेविका हो या पारा शिक्षक हो, किस प्रकार से लोगों को दौड़ा दौड़ा करके आपने पीटा, कई पत्रकार मित्र उसके शिकार हुए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो आंदोलन की बात आप कर रहे हैं वो आपकी बदनीयती के शिकार लोग हैं, नियत में खोट रख करके आप किसी चीज को लागू करवाना चाहते हैं तो वो सवाल उसके परिणति के रूप में आंदोलन ही खड़ा होगा। हम तो ठोस तैयारी के साथ आ रहे हैं, कमेटी बना दी गई है जिस बेरोजगारी को दूर करने की आप बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, वो रिपोर्ट बहुत जल्द ही सबमिट करने वाली है और आप देखेंगे कि किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में झारखंड सरकार आगे बढ़ रही है। इसीलिए हम किसी छात्र को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को आंदोलन का रास्ता देने के लिए हम यहाँ काम नहीं करने के लिए आए हैं कि हम
थोड़ी सी वाहवाही लूट करके और बाद के दिनों में उनको आंदोलन का रास्ता दिखा दे ताकि वो बराबर जो है पुलिस की लाठियां खाते फिरे। तो इससे दूर रखने के लिए ही एक ठोस नीति के साथ महागठबंधन सरकार आ रही है और निश्चित रूप से आप धैर्य रखिए, आपकी हर जो बात है ना उसका जवाब आने वाले दिनों में तुरंत आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द। प्रदीप जी और राजीव जी दोनों से ही हम जानना चाहेंगे, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी कुछ मिनटों में हैं। प्रदीप जी, नियोजन नीति का मुद्दा इस बार विधानसभा सत्र में कब उठेगा, क्या इसकी कोई गुंजाइश आपको दिखती है, पार्टी ने इसको लेकर अपने विधायकों को तैयार किया है जिसको लेकर आप बाहर बात करते हैं? धैर्य तो राज्य के युवाओं ने खो दिया क्योंकि उन्होंने देखा है कि मुख्यमंत्री के वायदों के खिलाफ काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। अब जहां तक प्रश्न है कि नियोजन नीति जो इन्होंने लाया उससे राज्य की जनता भी सहमत नहीं है कि आपने एक धर्म विशेष को प्रश्रय देने के लिए उर्दू तो आपने जोड़ दी लेकिन हिंदी और संस्कृत को बाहर कर दिया, इसको तुष्टिकरण कहते हैं। और जहां तक प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है जो पहले कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के इरफान अंसारी जी ने, उन्होंने तालिबान की पूरी एक्टिविटी को जायज ठहराया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती, एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से, इसको तुष्टिकरण कहते हैं। और जहां तक हमारे विधायकों की जिम्मेदारी की बात है, उत्तरदायित्व की बात है, हमारे विधायक हर मुद्दे पर डिस्कशन के लिए और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने जो तात्कालिक मुद्दा उठाया है उसका भी जवाब देना मैं समझता हूं कि समुदाय विशेष को जो प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते इसका विरोध नहीं करेगी तो एक परंपरा के नाम पर इसको एक आदत बना लेंगे। राजीव जी, क्या हम आपसे जानना चाहेंगे सरकार इस बात को लेकर कितनी चिंतित है या सरकार की क्या तैयारी है कि विधानसभा सत्र ठीक से चले, उसके सारे मुद्दे सामने आए, वो फ्लोर पर आप अपने जवाबों से लोगों को संतुष्ट कर सके। सबसे पहले तो मैं इनकी इस बात का खंडन करता हूं कि पार्टी इरफान अंसारी के बयान से कतई सहमत नहीं है और यह सार्वजनिक रूप से पार्टी के स्तर पर कह दिया गया है कि वो उनका निजी विचार हो सकता है, वो पार्टी का नहीं, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी उनको ये बता दिया गया है, वो स्पष्टीकरण जहां देना है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन चीजों की ये बात करते हैं तो उस पर चर्चा करने के लिए सरकार ने इनको आमंत्रित किया, लेकिन इनको तो हरि कीर्तन करने के भाई धर्म और आस्था ये निजी आस्था का विषय है, आप इसका प्रकटीकरण वहां जहां विधायी कार्य होने हैं, जहां जनता के सवाल उठने हैं, वहां झाल मजीरा लेकर के बैठ गए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अरे ये आडंबर क्यों, कब तक धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेंगे, कब तक वातावरण को विषाक्त करेंगे, पूरे देश में जो आपने जहर बोने का काम किया है वो सोशल फैब्रिक को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, यही वो देश हर विद्यालय में सरस्वती पूजा मनाई जाती थी और किसी भी मुस्लिम संप्रदाय ने उसका विरोध आज तक नहीं किया, क्यों इनको दिखाई नहीं देता है क्या, ये मुख्यमंत्री निवास में मंदिर बना करके प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं, कल को कोई गैर हिंदू राजन जी आपने इसकी चर्चा दो बार की, चर्च और गिरजाघर भी बनाए जाएंगे, आपने इस प्रकार की छोटी दलील लेकर के आपने दो बार इसका जिक्र किया कि मुख्यमंत्री आवास में मंदिर बनाया गया, हनुमान मंदिर बनाया गया, क्या ये इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप आप विधानसभा में प्रतिक्रिया नहीं है वो दे रहे हैं, हम इनको क्या सरस्वती वंदना देनी होती गंगे जी तो उसी वक्त प्रतिक्रिया देता है ये समाज और अन्य राजनीतिक दल, हम इनके तरह आडंबर करने वाले लोग नहीं है, नहीं धर्म बेच करके राजनीति नहीं करते हैं। राजीव जी, क्या सरस्वती वंदना का विरोध करती है कांग्रेस? कहां सरस्वती वंदना का कोई विरोध क्या करती, आपने कहा कि हर स्कूल में वही तो कह रहा हूँ कि ये वही देश है जहां गंगा जमुनी तहजीब के तहत हर लोग मिल करके हर धर्म के छात्र जो है सरस्वती पूजा की बात करते हैं, अभी विश्वकर्मा पूजा आ रहा है, किसी भी ऐसे संस्थान में जहां के मालिक मुख्तार भी अगर गैर हिंदू है उनके यहाँ भी विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, कभी किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन देश के वातावरण में जहर घोलने वाले लोगों ने जिस प्रकार से विषाक्त वातावरण बनाने का निर्णय ले लिया है, आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम आपको सामने नजर आएंगे। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गंगा जमुनी का फॉर्मूला दिया है ये कहीं ना कहीं लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत जमुना कब से चर्चा में शामिल होने के लिए राजीव रंजन जी और प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह की बहस को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और अगर बहस रोचक होती रही
तो हम इस बहस को लंबा भी ले जाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 22 स्कोप के साथ, न्यूज़ 22 स्कोप के साथ। मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। Thank you.